हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ऑसम टीएलएफ। तो आज ना यार मेरा ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मेरे को अच्छे मोमोज खाने हैं, लेकिन तंदूरी वाले। तो मोस्ट ऑफ दी जगह पे मैं ट्राई कर चुकी हूँ। तो मैंने सुना, ढूंढा और मुझे पता लगा कि मोहाली में फेज़ 5 बूथ नंबर 299 में, जिनका नाम ही पक्का तंदूर है, यहाँ पे भाई बहुत ही स्पेशल तरीके से ना तंदूरी मोमोज, चाइनीज़ और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने कहा यार बी ऑसम का यहाँ जाना तो बनता है ना, जहाँ स्पेशल चीज़ें हो वहाँ हम ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई यू नो लाइक आई वाज फीलिंग सो स्पेशल अबाउट ईटिंग ऑल दिस। मैं इतनी स्पेशल बन के आई हूँ, तो आई एम गोइंग टू ट्राई ऑल ऑफ दीज एंड शायद ये एक नई जगह हो हमारे लिए जहाँ पे हमें और बेस्ट चीज़ें मिल जाएँ। तो ट्राई करते हैं एंड देन आई विल टेल यू गाइस कि मुझे ये सब कैसा लगा और इनके रेट्स कैसे हैं, क्वालिटी, हाइजीन, सब कुछ। क्योंकि हम लोगों ने इनसे पहले ही पूछ लिया कि हम आपका किचन भी देखेंगे भाई, फेट का मामला गर्मियों में ख़राब हो जाता है, तो सब ध्यान रखना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू ट्राई इट आउट। एंड पूरी वीडियो देखने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट कर देना। अब ज़रा चलते हैं, ऑर्डर करते हैं एंड देखते हैं क्या है। आ जाओ। तो गाइस अभी ऑर्डर करने से पहले मैंने सोचा कि पहले ना एक बार अंदर किचन जाने से भी पहले ज़रा मेन्यू देखा जाए कि क्या स्पेशल है भाई। कि मतलब मेरे इतने सारे फ्रेंड्स मुझे ये जगह रेकमेंड कर रहे थे कि भाई तेरे को बेस्ट चाइनीज़ और मोमोज खाने हैं तंदूरी, तो यहाँ जा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे पता लगी वो ये है कि ये लोग चंडीगढ़ सेक्टर 19 में भी हैं, जम्मू में भी हैं, जीरकपुर में भी हैं, मोहाली में भी है। तो यहाँ जहाँ जहाँ से ना मतलब पूरी ट्राई सिटी ये ऑलरेडी घेर चुके हैं, तो आप जहाँ पे भी हो आप जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। सो दे हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ, चाइनीज़ प्लेटर्स भी हैं, तंदूरी वेज भी है, तंदूरी नॉन वेज भी है एंड सब कुछ है। सो मैंने सोचा कि मिक्स प्लेटर क्यों ना आज ट्राई किया जाए। और जो रेट्स है ना मतलब लाइक 90, 100, 120, 70, तो 200 रुपये तक की रेंज में सारी चीज़ें हैं इनकी। तो दैट इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक। और अगर स्पेशल में जाते हो, यू नो फुल फैमिली के साथ जाते हो, तो देन इट कॉस्ट अराउंड 250-400 रुपीज़। तो रेट्स बहुत रीजनेबल है। अब बात रहती है हमारी किचन देखने की, क्वालिटी चेक करने की, और उसके बाद आती है बारी हमारी टेस्ट की। तो मैंने अपना मेन्यू देख लिया, अब ज़रा मैं इनसे रिकमेंडेशन ले लेती हूँ कि क्या ऑर्डर करें, और उसके बाद फिर चलते हैं अंदर भी देखते हैं। आ जाओ। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बोला कि मेन्यू मैंने आपको बता दिया, इनकी प्राइसिंग बता दी, बहुत रीजनेबल है। तो अब बारी है इनका किचन देखने की। तो आ जाओ, पहले मेरे को अपने बाल बांधने पड़े क्योंकि ऐसे मुझे अलाउड नहीं था। सो प्लीज़ कम। तो छोटा सा आउटलेट है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना क्लीन होगा सब कुछ। तो आप खुद देख सकते हो लाइक यू नो इट्स सो क्लीन, इट्स सो हाइजेनिक। एंड नाउ आई वांट टू सी ये किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि तब पता लगेगा असलियत में। बट छोटी सी जगह को कितना साफ सुथरा और कितना मैनेज करके रखा है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आइए आइए, अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए। सो मतलब फुल वेंटिलेशन के लिए भी भाई कमाल है। तो अभी हमारा जो प्लेटर है वो तैयार हो रहा है और वो हमारे सामने ही सब कुछ बनाने वाले हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि कितना हाइजीनिक है, कितना क्वालिटी मेंटेन करके रखी हुई है। और यही एक कारण है कि चार चार सिटीज़ में ये लोग हैं अभी तक, और 4 साल पहले ही स्टार्ट किया है इन्होंने आउटलेट। तो मतलब इतनी ग्रोथ का मतलब है कि चीज़ें बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी। तो मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ। सो अभी कौन से वाले मोमोज तैयार कर रहे हो आप? अफगानी मोमोज। ओके, सो अभी सबसे पहले अफगानी मोमोज हमारे सामने ही तैयार हो रहे हैं, वो आप लोग देख सकते हो। मोमोज जी लग चुके हैं, भट्टी में डल चुके हैं। अब तंदूरी मोमोज तैयार हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनका नाम है पक्का तंदूर। और आप देख सकते हो कि यू नो एक मोमोज बनाने के बाद इन्होंने अपने ग्लव्स तक चेंज किए हैं ताकि यू नो टेस्ट जो है वो अलग अलग लगे। सो नाउ हमारे तंदूरी मोमोज तैयार होने वाले हैं, जो स्पेशलिटी है इनकी, जिसकी वजह से इनका इतना नाम है। तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड, क्योंकि तंदूरी मोमोज ना कई बार इतने मज़ेदार और इतने यमी मुझे आज तक मिले नहीं है, और वो भी स्पेशली ट्राई सिटी में। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं इनसे। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशंस बनी रहें।
गाइज हमारी मोमोज की जो प्लेटर है वो आ चुका है, तो हमारे पास है सारे के सारे नॉन वेज मोमोज, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था वेज में ना थोड़ी किल्लत आती है मुझे. सो वी हैव कुरकुरे मोमोज, वी हैव स्टीम्ड मोमोज, वी हैव अफगानी मोमोज एंड वी हैव तंदूरी मोमोज. सो दिस इज लाइक आई थिंक दिस इज अफगानी एंड दिस इज तंदूरी. अब नाम इन्होंने रखा पक्का तंदूर, तो सबसे ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन तो मुझे इनसे है, बट मुझे स्टीम मोमोज से भी है. तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करने वाले हैं हमारे स्टीम मोमोज. लुक एट दिस, नॉन वेज मोमोज हैं और चिकन जो आपने देखा है ना डाल डाल के, मैंने थोड़ा पहले तोड़ दिया था बिकॉज मुझे था कि गर्म होगा, तो जैसे शूट का मैं बोलूँगी तो ये हो जाएगा. बट बोला नहीं जा रहा, इतना यमी है कि आई कैन नॉट स्पीक. मतलब स्टफिंग और ये स्पेशल, ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेरे लिए स्पेशल बनाया, जो सबको मिलता है उसी में से इन्होंने स्टीम मोमोज निकाल के दिए थे. भर भर के नॉनवेज स्टफिंग करी है. जो स्किन होती है ना मोमोज की वो पतली होनी चाहिए, दैट इज देयर. जो इनकी ग्रीन, जो इनकी रेड चिली सॉस है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं. और स्टफिंग में ना जो कोरिएंडर मिक्स करके और जो स्पेशल इन्होंने ना जो मसाले वगैरह सब ऐड किए हैं, दैट जस्ट मेक्स इट सो सो यमी दैट आई कैन नॉट टेल यू गाइज. तो मेरी तरफ से इसको जाता है 5 में से 5 नंबर. तो ज़रा मैं चिकन ना थोड़ा मेरा रह गया था ना उसको भी खा लेती हूँ. तो यू नो आई एम अ चिकनोहॉलिक पर्सन. सो गाइज अब हमारी बारी है हमारे अफगानी मोमोज को ट्राई करने की. एंड ओ भाई इन्होंने स्टफिंग कितनी अमेजिंग और कितनी ज़्यादा डाली है. लुक एट द स्टफिंग भाई, इतनी कोई नहीं डालता. आई एम इन लव विद दिस राइट नाउ. अफगानी मोमोज में ना एक चीज़ होती है, हल्का हल्का टैंगीनेस होती है, तो वो इसमें बिल्कुल मेंटेन करके रखी है. और जूसेस ना एकदम मुँह से मतलब बाहर आते हैं, मतलब इतना यमी है और इतना ज़्यादा अच्छे से कुक किया गया है कि दिल जीत लिया मेरा इसमें. पेट प्रमोशन नहीं है, पैसे कोई देता नहीं हमें पेट प्रमोशन के लिए, तो वो नहीं है, एक्चुअल है जो जूसेस है ना इसके. भाई ये देखो स्टफिंग देख सकते हो आप कितनी कितनी ज़्यादा भरी हुई है. भाई स्टफिंग से ना मेरा दिल खुश हो गया. इन लोगों की जो स्टफिंग है ना कंजूसी नहीं करी है इन्होंने, मतलब भरी हुई है, भरी. मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये जो लोकेशन है ये वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है मेरे लिए फॉर मोमोज. देख के ही आप कह सकते हो कि कुछ खास तो है. ऐसी बात नहीं है, इतना नाम ऐसे ही नहीं है. ट्राई सिटी की जनता यहाँ वैसे ही इसीलिए नहीं आती, कुछ ऐसी बात नहीं है. मेरी रिकमेंडेशन मानो और यहाँ पे ज़रूर आके ट्राई करना, खुद पता लग जाएगा व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस प्लेस. इफ़ यू लव मोमोज, इफ़ यू लव चाइनीज, क्योंकि चाइनीज मुझे अभी ट्राई करना है. भाई मोमोज की स्किन पतली, ऊपर से कुरकुरापन, अंदर से स्टफिंग और अंदर से जो मोमोज की फिलिंग है, नॉट स्पाइसी, ओवर द टॉप मसाले नहीं है, प्रॉपरली बैलेंस है, मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट. अब बारी है हमारे तंदूरी मोमोज की. लुक एट दिस, अब हमारी बारी है तंदूरी मोमोज की. स्टफिंग तो इसमें से भी भर के होगी, तो यू नो वो बात तो कहने की है ही नहीं. हमारी शक्ल देखने में तो देखो कितने गुलाबी ऑरेंज हैं, मतलब क्या दिल खुश होता था ऐसी चीज़ को देख के ना. अब गाइस नाम इन्होंने रखा है पक्का तंदूर.
स्पेशलिटी है इनकी तंदूरी मोमोज, मैंने अभी ट्राई किया. आपको मैं कह सकती हूँ कि येस दे आर स्पेशल, दे आर रियली अमी, क्योंकि पूरा का पूरा आप देख सकते हो स्किन एकदम भट्टी में पक के जब तैयार होकर तंदूर में बन के आई है ना वो दिख रही है करंट, और स्किन कितनी पतली है वो भी देख सकते हो आप, और स्टफिंग भरपूर है टेस्ट. और उसके बाद ना जूसेस, जो इसके जूसेस आपके मुंह में जाके एकदम घुलते हैं ना, एकदम फ्लेवर्स का जो ब्लास्ट होता है, दैट इज समथिंग मोर अमेजिंग. सो आई गिव दिस प्लेस 5 out of 5 इन टर्म्स ऑफ मोमोज. ट्राई सिटी में भाई अभी तक के बेस्ट मोमोज मैंने खाए हैं, क्योंकि बहुत ही कंजूसी करते हैं लोग स्टफिंग की बात करें, इन्होंने किसी भी चीज़ में कंजूसी नहीं करी है, तो क्या ही बोला जाए. इफ यू आर मोमो लवर, पक्का तंदूर इज अ प्लेस फॉर यू. मोहाली, चंडीगढ़, जयपुर, जम्मू, सब जगह पे हैं. और बीआसम का नाम लोगे ना तो चीज़ें और अच्छी मिलेंगे. So I highly recommend you this place because they have literally very very nice momos. So guys, मैंने जैसे आपको बोला था कि भाई best locations तो BeAwesome ही बताता है, तो momos की बहुत सारी locations और videos हमने बताई हैं, लेकिन मेरे लिए अभी तक के best momos पक्का तंदूर, मोहाली, phase 5, बूथ नंबर 299, इतने अच्छे हैं कि बूथ नंबर भी याद हो गया. सेक्टर 19 चंडीगढ़ में भी अवेलेबल है, ये जीरकपुर में भी हैं, बट दे वर अभी खाया है और मतलब आई एम सेटिस्फाइड. टेस्ट में, हाइजीन में, क्वालिटी में, तीन सब चीज़ों में आई गिव देम 5 out of 5. तो अगर आप लोगों को मोमोज पसंद है एंड यू लाइक चाइनीज, तो फिर यार BeAwesome का स्टैम्प तो हमने लगा ही दिया है, तो यहाँ आके ट्राई करके मुझे भी बताना कमेंट्स में कि कैसे मिले, क्योंकि कई बार तो आप लोग मुझे मिलते तो कहते शिवांगी और चीज़ें बताओ, तो ऐसी मैं नई नई चीज़ें आपको बताती रहती हूँ. सो डू विजिट दिस प्लेस एंड लेट मी नो कि आपको मेरी रिकमेंडेशन कैसी लगी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो. थैंक यू.